और अब बात करते हैं गया की, जहां बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव के मंत्री बनने के बाद पंचायत के सभी मुखिया, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष लोगों ने भव्य स्वागत करने के लिए घंटों देरी इंतजार कर हाथ में माला, गुलदस्ता, फूल लेकर स्वागत के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने बताया कि हमारे गया शहर के विधायक को मंत्री पद दिया गया है और बेरोजगारी भी दूर होने की संभावना तथा नव युवक को नौकरी भी मिलने की आस है, ताकि आए दिन जूझ रहे बेरोजगार रोजगार की तलाश में अपने शहर, गांव, कस्बे को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन गया शहर के विधायक को मंत्री पद दिया गया है। वहीं मुखिया, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे राज्य में विकास का कार्य अधूरा है, वह भी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव से विकास की आस में बैठे हैं। विशेष मंत्री थे, हमारा गार्जियन है बेलागंज का, हरिजन समाज का, अति पिछड़ी जात को बड़ा धन्यवाद देते हैं, गरीब का मसीहा है, धन्यवाद। थैंक यू मंत्री जी। इतने लोग आप लोग स्वागत करने के लिए मंत्री जी के, लोग 1000 लाखों लाख से समन है, लेकिन आने का कुछ नहीं, धान धान रोपण चल रहा है। आज के दिन में सौभाग्यशाली है और मैं इसके लिए शुभकामना उप मुख्यमंत्री को मैं देना चाहूँगा कि दक्षिण बिहार जो बिहार का जो है वह खेती है और खेती पर ही यहाँ के निवासी दक्षिण बिहार के हम लोग जो हैं किसान निर्भर करते हैं। उत्तरी बिहार तो है डुबाव क्षेत्र है और हमारे जो बेलागंज से जीत करके डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो आज हम लोगों ने इनको 30 साल से बेलागंज को सेवा और विधायक के रूप में सुशोभित हैं, आज उनको मौका हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र को जो सुशोभित करने वाला विभाग है उससे इनको सम्मानित किए, मंत्री का पोस्ट दिए, तो हम लोग भी इतना उम्र, मेरा 64 साल का उम्र हो गया है, लेकिन हमारे क्षेत्र से मंत्री के रूप ने एक अभिराम शर्मा कुछ दिन के लिए, और इसके पहले हमारे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जो हमारे विधायक हैं बेलागंज का, इनको भी मंत्री बनाया गया था और पुनः डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाया गया है, तो बेलावासी जो हम लोग हैं, इनके क्षेत्र के जो निवासी हैं, उनमें बहुत खुशी का दौर आज के दिन से गुजर रहे हैं हम लोग, और देखिए वही खुशी का देन है कि घर द्वार के तमाम काम काज भुला करके सारा काम आज हम लोग बंद करके अपने घर को, और बेलागंज के निवासी सड़क पर आज आए हुए हैं उनको सम्मानित करने के लिए। परिचय दे दीजिए अपना। मैं बेलागंज पैक्स का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम विभूति नारायण सिंह है, वार मंडल बेलागंज का अध्यक्ष हूँ। इसके साथ ही साथ प्रतिनिधि बिस्कोमान पटना का मैं हूँ। भावात्मक भाव से और हर्षोल्लास के साथ हम लोग बेलागंज के सहकारिता विभाग के जो संबंधित चेयरमैन हैं, सभी लोग माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेंद्र यादव के अभिनंदन के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, जब वो पधारेंगे तो उनका अभिनंदन हम लोग करेंगे। आने की सूचना है? अभी अभी तो सूचना मिली है कि मखदुमपुर पार हो गए और उसी आशा में हम लोग हैं और हमारे कार्यकर्ता लोग भी हैं, हम लोग लगभग 500 के तादाद में यहाँ पर हैं और यही मौका मिला है हम लोग को कि आज तक जितना सहकारिता मंत्री बने आज़ादी के बाद वो उत्तरी बिहार के बने, मात्र मगध प्रमंडल के बीच में एक बार समय आया जो औरंगाबाद का
विधायक मंत्री बना। हाँ, और मेरा नाम मुंदिका सिंह, बेलागंज व्यापार मंडल अध्यक्ष।